रह गए। मैंने जो सोचा था वैसा मैं कुछ नहीं कर पाया, कुछ नहीं कर पाया। अरे 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 भाई, अब तो आप रिटायर्ड हो गए, फिर भी आपका मुंह इस कुर्सी में नहीं गया। नहीं भाई, नहीं, ऐसा नहीं है। तो फिर क्या बात है, आप इतने निराश क्यों हो? मुझे आज वह दिन याद आया, आज से 12 मास पहले मैं भी तुम्हारी तरह इतना खुश था। मुझे भी बहुत सम्मान मिल रहा था, मेरे आने से लोग एक दूसरे को बधाई दे रहे थे, लेकिन अरे आप रुक क्यों गए, अपनी बात पूरी कीजिए। मैंने बहुत सारे ख्वाब देखे थे। मैंने सोचा था कि इस एक वर्ष के कार्यकाल में मैं विश्व परिवर्तन कर दूंगा, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाया। ओहो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैं हूँ ना, मैं आपका रहा हुआ सारा कार्य पूरा करूंगा और इस सृष्टि को स्वर्णिम सृष्टि बना दूंगा, जहाँ दुख, अशांति, भय, चिंता इत्यादि कुछ नहीं होगा। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। परंतु यह इतना आसान नहीं है, मैं तुम्हें अपने अनुभव से बता रहा हूँ। यह दुनिया दिन ब दिन बदतर से बदतर होती जा रही है, इसको बदलना असंभव ही असंभव है। सब कुछ संभव है, सब कुछ संभव है। आप कौन? मैं समय हूँ, 5000 वर्ष से चलता आ रहा हूँ, चलते चलते बूढ़ा हो गया। अरे जरा हटो भाई, बैठने दो, थक गया हूँ। बैठे, हाँ बताइए। तो मैंने अच्छी से अच्छी दुनिया भी देखी है, तो खराब से खराब दुनिया भी देखी है। क्या अच्छी दुनिया भी देखी है? हाँ, अच्छी दुनिया भी थी जब स्वर्णिम युग था, मनुष्य देवी गुणों से संपन्न थे और देवी देवताओं का राज्य था। ओ, फिर वो अच्छी दुनिया कहाँ चली गई? जब से मनुष्य इन व्हाट्सएप, फेसबुक, राज्य सत्ता, वैज्ञानिक सत्ता में फंस गए हैं, तब से आध्यात्मिकता को भूल गए हैं। और आध्यात्मिकता को भूलने के कारण इन तीनों सत्ताओं की शक्तियाँ कम हो गई हैं। तो मेरे प्यारे उत्तराधिकारी बंधु, अगर तुम्हें इस एक वर्ष के कार्यकाल में विश्व परिवर्तन करना है, तो तुम्हें विशेष आध्यात्मिक सत्ता के ऊपर ध्यान देना होगा। और इसके लिए तुम्हें प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के ज्ञान का प्रचार प्रसार बहुत जोर शोर से करना होगा, जिससे मानव आध्यात्मिकता से जुड़ पाएंगे। अवश्य अवश्य, आप दोनों ने बिल्कुल सही कहा। मैं यह रहा हुआ कार्य अवश्य पूरा करूंगा और प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा जो ज्ञान दी जाती है उसका खूब प्रचार प्रसार करूंगा, और ताकि लोगों को आध्यात्मिकता से जोड़ सकूं। इतना पुण्य कार्य करने से यह संसार स्वयं ही स्वर्णिम संसार बन जाएगा। स्वर्णिम संसार आने में कोई देरी नहीं है, कोई देरी नहीं। Thank you.
बहुत बहुत धन्यवाद टीमों कुमारियों का, जिसने बहुत सुंदर प्ले के साथ बहुत सुंदर मैसेज दिया कि आज हर मनुष्य को आध्यात्मिकता की जरूरत है। साइंस की सत्ता भी हमने देख ली, राजनीति की सत्ता भी देख ली, धर्मों की सत्ता भी देख ली, और अब